हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? तो आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से अपने बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर दे रहे होंगे। जैसा कि बच्चों, आपका 27 फरवरी है और क्लास टेंथ का साइंस विषय का पेपर आपका देखिए आ चुका है। इसका संकेतांक है 824 ईपी, कक्षा 10 विज्ञान विषय का यूपी बोर्ड का पेपर जो 27 फरवरी कंडक्ट हुआ है यूपी बोर्ड द्वारा, ये आ चुका है। आइए बच्चों, देखते हैं इसको प्यारा से, इसका फुल सोल्यूशन। वैसे तो आप लोग इसको अच्छे से करके आए होंगे, परंतु फिर भी हम लोग इसको आज देखते हैं कि किस प्रकार से आपके जो आंसर मैचिंग है वो करवा देते हैं। बच्चों देखिए, बच्चों पहला क्वेश्चन, जैसा कि पेपर कंटिन्यू बच्चों आपको बोर्ड स्क्रीन पर दिखता रहेगा। पहला क्वेश्चन बच्चों इसमें दिया गया है, एक लेंस की क्षमता -2.5 डॉप्टर है। बच्चों देख लेते हैं जरा, इस लेंस की क्षमता आपको पावर जो इसका दिया गया बच्चों, दिया गया है माइनस का 2.5 डॉप्टर दिया गया बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान रखेंगे, दो प्रकार के लेंस हमने पढ़े हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब हमेशा लेंस के बनते हैं दाई ओर, कहाँ बनते हैं? लेंस के दाई ओर। तो उसमें बच्चों जो आपका एफ होता है और वी होता है बच्चों, वो लिया जाता है पॉजिटिव। लेकिन इसमें क्षमता चूंकि नेगेटिव दी गई है, इसका मतलब कौन सा लेंस है बच्चों? अवतल लेंस है। कौन सा लेंस बच्चों? ये अवतल लेंस जो इस प्रकार से बनता है आपका, ये इस प्रकार से, ये बच्चों आपका लेंस है अवतल लेंस। इसमें बनने वाले फिगर बच्चों कहाँ बनते हैं? 1, 2, 2, 1 यहाँ बन जाते हैं। तो बच्चों ये दिया हुआ, आपसे पूछा गया फोकस दूरी। बच्चों फॉर्मूला क्या इसका देखिए आपका, एफ इजिक्वल्स टू 100/P सेंटीमीटर में। एफ इजिक्वल्स टू 100/P सेंटीमीटर में वैल्यू पुट करेंगे बच्चों। देखिए आपका 100/P कितना बच्चों? 2.5, वो भी माइनस का चल रहा है, हटाएंगे पॉइंट ही करेंगे। तो बच्चों कितना आ जाएगा, देखिए 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों? 40 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसका विकल्प नंबर जो है ए सही हो जाएगा, विकल्प नंबर इसका ए सही हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। और कौन सा बच्चों? ये अवतल लेंस। कौन सा बच्चों? अवतल लेंस। का नेचर पूछा गया है, फोकस दूरी क्या हो जाएगी बच्चों इसकी, एफ इजिक्वल्स टू माइनस का 40 सेंटीमीटर। और बच्चों कौन सा लेंस है? ये अवतल लेंस है, जो कि बीच में पतला होता है, किनारों पर मोटा होता है। बच्चों इसमें सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका, विद्युत शक्ति पी दी गई है, प्रतिरोध आर दिया गया, इसकी धारा पूछी गई। तो बच्चों एक फॉर्मूला बड़े अच्छे से आपने याद रखा हुआ है, कौन सा? VIP वाला। कौन सा बच्चों? देखिए VIP किस प्रकार से, V × I इजक्वस टू P, पावर इजक्वस टू V × I। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपसे वोल्टेज यहाँ पर नहीं दिया गया, लेकिन बात की गई R की। तो ओम के नियम से, ओम के नियम बच्चों क्या होता है, देखिए V = I × R, V = I × R का प्रयोग अगर हम यहाँ कर दें बच्चों, तो P = कितना होता है, देखिए बच्चों I × R, साथ में क्या I चल रहा है, तो ये जगह बच्चों P/R = I² या यहाँ से बच्चों अगर I की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर P/R। तो बच्चों इसमें विकल्प नंबर जो आपका सही हो जाएगा P/R, विकल्प नंबर जो इसका D सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? सेकंड क्वेश्चन का विकल्प नंबर D, स्क्वायर रूट के अंदर P/R हो जाएगा। तो बच्चों अपवर्तनांक से बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन नंबर 3 आया, प्रकाश की चाल माध्यम एक व माध्यम दो में क्रमशः V1 V2 दी गए, माध्यम एक का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष है। बच्चों तब भी ऐसा पूछा है आपसे कि माध्यम एक का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष, तो बच्चों ध्यान दीजिए जिसके सापेक्ष कहा जाता है बच्चों उसकी चाल हमेशा ऊपर आएगी। तो सेकंड वाले माध्यम की चाल बच्चों क्या आपकी V2 है, और फर्स्ट वाले माध्यम की चाल बच्चों क्या V1 है। तो इसका V2/V1 होगा, V1/V2 की गलती आप नहीं करेंगे, इसका विकल्प नंबर बच्चों B सही हो जाएगा, विकल्प नंबर इसका B सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों, इसमें कौन सा कथन असत्य है, असत्य वाले में थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे, गलती नहीं करेंगे। कौन सा कथन असत्य है, क्वेश्चन है चुंबकीय बल रेखाओं का। तो बच्चों चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और कर्व बनाते हुए, वक्र बनाती हुई, किस प्रकार देखिए, वक्र बनाती हुई इस प्रकार से निकलती हैं। ये आपका नॉर्थ है, ये आपका बच्चों साउथ है, तो यहाँ से निकलती है और वक्र बनाती हुई ऐसे प्रवेश करती हैं, यूँ ऐसे प्रवेश करती हैं बच्चों, यूँ प्रवेश करती हैं। तो बच्चों इसमें ध्यान दीजिए, इसमें पूछा गया है कि इसमें कौन सा असत्य। तो बच्चों चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती, बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, विगत वर्षों से बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, और मैंने अभी जो MCQs करवाए थे 100 क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन दिया गया था, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। इसका विकल्प नंबर बच्चों C सही हो जाएगा, विकल्प नंबर C क्वेश्चन नंबर 4 का, कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। बच्चों आगे देखते हैं, इसमें से किस दर्पण का 10 छेद अधिकतम होता है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, किस दर्पण का 10 छेद अधिकतम होता है। बच्चों ध्यान रखिए, बात करते हैं हम लोग यहाँ पर किस दर्पण की, देखिए ये कौन सा दर्पण बच्चों, देखिए ध्यान से, ये दर्पण है उत्तल। कौन दर्पण है? उत्तल, क्योंकि ये जो साइड मिरर होता है जो बाइक और जो मोटर वाहन उनके साइड मिरर में लगाते हैं, तो बहुत पीछे से आने वाले जो बहुत से प्रतिबिंब हैं उनको वो छोटे से स्थान पर इंगित कर देता है। इसका बच्चों 10 छेद देखिए क्या होता है, ये इसका 10 छेद है बच्चों, देखिए इस प्रकार से। तो इसका जो 10 छेद है काफ़ी बड़ा, काफ़ी विशालतम होता है। तो इसका विकल्प कौन सा होगा बच्चों? 5 नंबर का विकल्प नंबर ए से होगा। ये बच्चों क्या है? उत्तल दर्पण है। ये बच्चों कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा बच्चों? ये कॉन्वेक्स मिरर है। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, R व 2R ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में, सीरीज ऑर्डर में जोड़ने पर प्रतिरोध प्राप्त होता है बच्चों R1। तो बच्चों ध्यान दीजिए,
आर वन आपको जब जोड़ेंगे इसको किसमें, सीरीज ऑर्डर में प्यारे बच्चों, उसको जोड़ना है श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में बच्चों आर इज इक्वल टू क्या होता है, उनके अलग अलग प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोधों के योगफल के बराबर। तो बच्चों देखिए यहाँ पर आर वन नाम दिया इसको, तो कितना आ जाएगा बच्चों ये 3R हो जाएगा। इसके बाद कह रहे हैं कि इनको समांतर क्रम में जोड़ा गया बच्चों, तो समांतर क्रम में बच्चों आप जोड़ देंगे इनको, देखिए समांतर क्रम में बच्चों क्या हो जाएगा 1/, देखिए यहाँ पर क्या दिया गया समांतर क्रम के लिए दिया गया बच्चों यहाँ पर R2 दिया गया, क्या दिया गया R2, तो 1/R2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा देखिए बच्चों 1/R प्लस का 1/2R। प्यारे बच्चों इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 3/2R हो जाएगा, लेकिन बच्चों हमें R2 निकालना, तो यहाँ से R2 कितना हो जाएगा देखिए इसको कन्वर्ट कर देंगे तो 2R/3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2R/3। इसके बाद बच्चों कहा गया इसमें R1 और R2 का अनुपात पूछा गया बच्चों, R1 और R2 का अनुपात देख लीजिए बच्चों, ये आपका हो गया R1 और अपान में हो गया R2, तो R1 कितना बच्चों देखिए 3R है, R2 क्या है 2R/3 है। सॉल्व करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा 9/2, क्या आ जाएगा बच्चों 9/2, विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा, विकल्प नंबर इसका बी सही हो जाएगा। तो बच्चों पूछा गया धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या, जो आपके सर्कुलर राउंड लगे हुए हैं फेरों की संख्या एन गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो बच्चों हमेशा ये बढ़ेगा और ये एन गुना ही बढ़ जाएगा, इसका विकल्प नंबर 7 क्वेश्चन का ए सही हो जाएगा। कितना बढ़ जाएगा बच्चों ये 7th नंबर का बच्चों ए सही हो जाएगा आपका, ये एन गुना इसमें ये एन टाइम ही इंक्रीज हो जाएगा, एन टाइम इसमें बढ़ोतरी हो जाएगी बच्चों। तो प्यारे बच्चों स्टार्ट करते हैं इसका सेक्शन नंबर बी, सेक्शन जो एक ए था का नंबर था उपखंड, इसमें फिजिक्स था। अब स्टार्ट करते हैं बच्चों केमिस्ट्री, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आपका आया IUPAC पद्धति से, इसमें पूछा गया बच्चों देखिए CH3 पेपर आपको स्क्रीन पर कंटिन्यू दिखता रहेगा बच्चों CH3CH2OH, तो बच्चों इसमें इसका IUPAC नाम पूछा गया है। सबसे पहले चेक करेंगे कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ वो कौन सा है, तो बच्चों ये लगा हुआ देखिए आपका OH है, और ये किसका बच्चों एल्कोहल का, किसका बच्चों एल्कोहल का OH है, एल्डिहाइड का CHO है, कीटोन का CO है, कार्बोक्सिलिक का COOH है। तो बच्चों यहाँ पे कार्बन श्रृंखला देखेंगे तो कितना देखिए यहाँ से काउंटिंग करेंगे, एक है दो है, तो दो होने से क्या बनेगा कार्बन वन मेथ, कार्बन दो एथ, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, तो बच्चों यहाँ पर कितना दो, तो मेथ और एथ यानी बनेगा एल्केन का संगत नाम एथेन जोड़ आल, एथेन जोड़ आल, तो बच्चों क्या बनेगा ये एथेनॉल बन जाएगा, क्या बनेगा बच्चों ये एथेनॉल बन जाएगा, विकल्प नंबर इसका बच्चों पहला सही हो जाएगा, एथेनॉल बन जाएगा बच्चों ये। सेकंड क्वेश्चन पूछा कौन सी एक दहन अभिक्रिया, दहन बच्चों क्या होता है किसी भी पदार्थ को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाना दहन कहलाता है, और दहन बच्चों क्या निकलेगी ऊष्मा प्राप्त होती है, तो बच्चों ये जो इसका विकल्प नंबर जो आपका सी आया हो बच्चों इसमें देखिए CH4 मेथेन को हम जलाते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या बनता है बच्चों देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, थोड़ी मात्रा में आपको जल मिल जाता है, और प्लस हीट एंड लाइट ऊष्मा और प्रकाश मिलता है, इसका विकल्प नंबर बच्चों सी सही है, कौन सा है बच्चों सी सही। क्वेश्चन नंबर बच्चों 10 पूछा गया, 10 नंबर सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया किसी आवर्त सारणी में ग्रुप में या समूह में या वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर, तो बच्चों जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु क्रमांक बढ़ता है, परमाणु क्रमांक बढ़ने का मतलब बच्चों क्या है कि परमाणु की कक्षाएं बढ़ती हैं, परमाणु के कोष बढ़ जाते हैं, तो इसका विकल्प नंबर बच्चों ए सही हो जाएगा, समूह में ऊपर से फ्रॉम टॉप टू बॉटम आने पर, ऊपर से नीचे आने पर एक नया कोष एक नया सेल जुड़ जाता है बच्चों, परमाणु का साइज बढ़ जाता है, परमाणु का आकार बढ़ जाता है, तो इसका विकल्प बच्चों ए सही हो जाएगा। बच्चों इसका पूछा गया 11 नंबर में प्लास्ट्रा पेरिस का रासायनिक सूत्र पूछा गया, तो बच्चों प्लास्ट्रा पेरिस जो आपका POP है, प्लास्ट्रा पेरिस बच्चों क्या होता है देखिए इसमें CaSO4 2H2O CaSO4 गलती नहीं करेंगे बच्चों, अगर यहाँ पर 2H2O कर देंगे तो वो जिप्सम बन जाएगा, क्या बन जाएगा जिप्सम बन जाएगा, बोलेंगे कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट जिप्सम का बच्चों कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर बच्चों जिन बच्चों ने डी लगाया हुआ उनका बिल्कुल सही है। फिर बच्चों पूछा गया 12वें नंबर क्वेश्चन में कि शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, तो बच्चों शुद्ध जल का मतलब है कि ना वो अम्ली है ना वो क्षारीय है, अम्ल क्षार की क्रिया, बच्चों 12 नंबर में शुद्ध जल का pH मान पूछा गया, तो बच्चों शुद्ध जल का pH मान ना तो अम्ली होता ना क्षारीय होता उदासीन, तो pH मान अगर बच्चों 7 आता है तो वो कैसा होता उदासीन होता है, तो इसका pH मान बच्चों कितना होता 7 होता है, H2O का pH मान 7 होता है। आगे बच्चों एल्डिहाइड में प्रकारात्मक समूह पूछा गया, क्रियात्मक समूह बच्चों क्या है, तो बच्चों ध्यान दीजिए पहला जो आपको विकल्प इसमें दिया गया आप देख लीजिए पेपर आपको दिख रहा हो कंटिन्यू, जो पहला बच्चों आपको दिया गया सिंगल देखिए इस प्रकार से सिंगल OH, ये मैं आपको अभी बता चुका हूँ बच्चों ये किसका एल्कोहल का है। इसके बच्चों ये देखिए जो आपका है सी नंबर दिया गया इस प्रकार से ये, तो बच्चों ये गलती नहीं करेंगे ये कीटोनी समूह है बच्चों, और बच्चों जो जिन बच्चों ने डी कर लिया उन्होंने गलती कर ली है बच्चों, जो डी विकल्प आपका दिया गया इस प्रकार से देखिए बच्चों
ये C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, तो बच्चों यहाँ पर ये CHO नहीं है, ये ध्यान से देखिए COOH एक कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। इसका 30 नंबर क्वेश्चन का विकल्प नंबर हो जाएगा, क्योंकि B में आपका देखिए दिया गया C डबल बॉन्ड ये O बना हुआ है और सिंगल बॉन्ड ये H बना हुआ है, तो CHO जो बच्चों होता है CHO ये होता है एल्डिहाइड का। इसमें अल जुड़ता है IUPAC नामों में, एल्कोहल में बच्चों अल जुड़ता है, कार्बोक्सिलिक में जुड़ता है ओइक अम्ल और कीटन में जुड़ता है ओन। तो इसका विकल्प कौन सा हो जाएगा बच्चों, आपका बी सही हो जाएगा। तो देखते हैं हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सेक्शन नंबर सी, जिसको खंड गा बोलते हैं जीव विज्ञान। इसमें पहला क्वेश्चन बच्चों आया पोषण से निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है, तो बच्चों उत्पादक में आ जाएगा इसका विकल्प नंबर डी, जो कि हैं सारे ग्रीन प्लांट्स यानी कि हरे पौधे। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं किस क्रिया द्वारा, प्रकाश संश्लेषण द्वारा, उसमें ये CO2 और जल लेकर के ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, तो बच्चों इसका विकल्प नंबर डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बच्चों मेंडल से आया हुआ है, मटर के लंबे पौधों, ध्यान दीजिए बच्चों यहाँ पर कैपिटल टी और शुद्ध बौने पौधे यानी स्मॉल टी, इनके बीच में अगर हम संकरण कराएंगे बच्चों, संकरण अगर कराते हैं, क्रॉस कराते हैं इनके बीच में, तो बच्चों ध्यान दीजिए पहले इसका क्या होगा, समसूत्री कोष का विभाजन होगा। किस प्रकार से ये कैपिटल टी बनाएगा इस प्रकार से ये, और इधर भी देखिए बच्चों इसका हो जाएगा किस प्रकार से ये स्मॉल टी बनाएगा, ये स्मॉल टी बनाएगा। अब बच्चों इसके बीच में कराते हैं संकरण, देखिए बच्चों जब ये इसके इससे क्रॉस करेगा तो क्या बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी इस प्रकार से, जब ये इससे क्रॉस कराएगा तो क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसी प्रकार से बच्चों ये इससे कराएगा तब भी क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इससे कराएगा तब भी क्या बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो बच्चों इसको हम लोग क्या बोलेंगे, संकर लंबा बोलेंगे, लेकिन लंबे में तो ये आ जाएगा ना, तो उसका विकल्प नंबर सही होगा बच्चों ए, सभी लंबे पौधे या केवल लंबे पौधे, सभी लंबे पौधे या केवल इनको, क्योंकि जो लक्षण जो कैपिटल टी है बच्चों जो आगे रहता है वो होता है प्रभावी लक्षण, और जो स्मॉल टी जो बौनापन है वो कैसे अप्रभावी लक्षण है, इसलिए इसका जो विकल्प ओवरऑल सही होगा बच्चों होगा सभी लंबे पौधे या केवल लंबे पौधे, विकल्प नंबर बच्चों इसका ए सही। पूछा गया क्वेश्चन में 16 बड़ा प्यारा क्वेश्चन आया है, निम्न में से कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है, तो आइए देख लेते हैं कि प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस जो है वो कैसे होता है। तो बच्चे देखिए क्या आता है, वायुमंडल से हम लोग ले लेते हैं CO2 और पौधे क्या ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं, तो यहाँ पर बच्चों क्या है, सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ये क्या बनाते हैं बच्चों, देखिए C6H12O6 प्लस में O2 प्लस में आपका H2O, ये बच्चों कंकाली लिखा हुआ है, इसको अगर बैलेंस करना तो बच्चों क्या कर दीजिए, यहाँ पर 6CO2 यहाँ पर क्या कर दीजिए 12H2O। अब देखते हैं बच्चों ये क्या हो जाएगा, 6O2 और 6H2O। तो बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर जो अभिकारक है कौन प्रयोग में कौन कौन भाग लेते हैं, तो बच्चों यहाँ पर देखिए कौन ले रहे हैं बच्चे भाग, यहाँ पर कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा जोड़ा प्रयोग किया जाता है, तो बच्चों यहाँ पर देखिए अगर प्रयोग करने की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल की बात चल रही है, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, तो विकल्प नंबर कौन सा होगा बच्चों, ये विकल्प नंबर इसका सी सही हो जाएगा, इसमें जल और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, इसके द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं, इसलिए कहलाते हैं स्वपोषी, क्या कहते हैं बच्चों स्वपोषी। आगे बच्चों क्वेश्चन पूछा गया, एक समान एक लिंगी नर पुष्प में, गलती नहीं करेंगे, नर पुष्प पूछा गया बच्चों से, पपीता इसका एग्जांपल है, इसमें क्या नहीं पाया जाता, तो बच्चों नर पुष्प में बाहदल भी होगा, पुंग केसर तो होगा ही होगा, पंखुड़ी भी होगी, लेकिन वर्तिकाग्र नहीं होगा, क्योंकि वर्तिकाग्र बच्चों है 17th नंबर जो क्वेश्चन बच्चों इसका जो विकल्प नंबर डी है, वर्तिकाग्र वो बच्चों नहीं हो सकता है इसमें, क्यों, क्योंकि वर्तिकाग्र जो है बच्चों वो क्या कौन सा ये, ये मादा पुष्प के लिए है, किसके लिए, फीमेल के लिए। क्वेश्चन बच्चों पूछा गया 18 नंबर पूछा गया, इंसुलिन का स्राव बच्चों कहाँ से होता है, तो बच्चों ये पेनक्रियास से होता है, अग्न्याशय से होता है, अग्न्याशय में बच्चों दो कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक अल्फा कोशिका और बीटा कोशिका, बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन नाम का स्राव होता है, इसका विकल्प नंबर बच्चों बी सही हो जाएगा 18 का, अग्न्याशय यानी पेनक्रियास से। फिर 19 नंबर पूछा गया बच्चों, जैव विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया, तो बच्चों इसमें कौन आते हैं, चार्ल्स डार्विन आते हैं, कौन से बच्चों आते हैं इसमें, 19 नंबर का विकल्प नंबर बच्चों आपका ए सही हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन की पुस्तक कौन सी है, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, जातियों की उत्पत्ति इनकी बड़ी फेमस पुस्तक है। जीवाश्म ईंधन जलने पर क्या होता है, तो बच्चों अगर जीवाश्म ईंधन जलेगा तो आपको CO2 प्राप्त होगी, क्या प्राप्त होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी बच्चों, इसका विकल्प नंबर जो 20 का है बच्चों वो ए सही हो जाएगा। तो आई होप बच्चों जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आप सारे के सारे क्वेश्चन सही करके आए होंगे, मैंने सिर्फ आपको मैचिंग कराया हुआ, बाकी आप पेपर को अच्छे तरीके से करके आए। तो बच्चों अब देखते हैं पार्ट बी को, पार्ट बी आपको जैसा कि स्क्रीन पर कंटिन्यू दिखता रहेगा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। पार्ट बी में देखिए, एक अवतल दर्पण से किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किरण आरेख खींचिए, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था ये, और ये पूछा था अवतल दर्पण बच्चों बनते हैं 6 प्रतिबिंब, जिसमें 5 बन जाते हैं दर्पण के बाईं ओर और एक जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है दर्पण के दाईं ओर, जिसको आभासी सीधा बोलते हैं। ये बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, इसीलिए इसका उपयोग करते हैं दाढ़ी बनाने वाले दर्पणों में, इसीलिए बच्चों। तो इसका बच्चों देखिए किरण आरेख पूछा गया, तो किस प्रकार से बनाएंगे बच्चों, देखिए कौन सा दर्पण बच्चों आपका अवतल दर्पण है, ये देखिए आप ध्यान से बच्चों, ये मान लीजिए आपका एक अवतल दर्पण इस प्रकार से,
कौन दर्पण बच्चों, अवतल दर्पण। तो इस प्रकार से आपने इसमें क्या कर दी है, पॉलिश कर दी है बच्चों इस साइड में देखिए। और इस प्रकार से मान लीजिए यहाँ पर देखिए कितनी स्थितियाँ इसमें बच्चों बन जाती हैं। देखिए एक तो आपका देखिए यहाँ से दर्पण के जो ध्रुव से उठा करके, दर्पण के ध्रुव से उठा करके बच्चों उतनी ही डिस्टेंस पर आपका ये फोकस हो जाएगा, उतनी डिस्टेंस बच्चों क्या हो जाएगा आपका ये वक्रता केंद्र हो जाएगा और ये आपको अनंत हो जाएगा। तो एक स्थिति ये, दो ये पूछा गया है बच्चों कि आभासी, तो आभासी के लिए बच्चों जो वस्तु रखी जाती है वो उठा करके कहाँ रख दी जाती है, देखिए बच्चों जो वस्तु रखी जाती है बच्चों ये उठा करके रख दी जाती है दर्पण के ध्रुव और मुख फोकस के मध्य में, कहाँ दर्पण के ध्रुव और मुख फोकस के मध्य में, यानी वस्तु को उठा के बच्चों यहाँ रख दिया जाएगा इस जगह पर। आप देखते हैं बच्चों जब वस्तु को उठा के बच्चों हम यहाँ रख देंगे तो इस प्रकार समझने की कोशिश करिए, इस प्रकार से किरण चलेगी ये समांतर मुख अक्ष के और टकराएगी इससे जाकर, और टकराने के बाद बच्चों किससे जाएगी मुख्य फोकस से होकर जाएगी, यूं चली जाएगी इस प्रकार से दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली वस्तु से प्रकाश किरण दर्पण से टकरा करने के बाद में मुख्य फोकस से जाती हैं इस प्रकार चली जाएगी। इसके बाद बच्चों देखिए इसको जब यहाँ से ले जाएगी इसको हम लोग क्या करेंगे आगे बढ़ा देंगे, क्या करेंगे डॉट करके आगे बढ़ा देंगे क्योंकि यहाँ पर मिलने वाला नहीं है। सेकंड बच्चों जाएगी इससे वक्रता केंद्र से, तो वक्रता केंद्र से जो किरण जाएगी ऐसे देखिए इस प्रकार से वक्रता केंद्र से जो किरण जाएगी इस प्रकार से यूं और टकराएगी इससे जाकर के दर्पण से, और टकराने के बाद बच्चों ये इस प्रकार से बढ़ती चली जाएगी। तो देखिए बच्चों ये अनंत की ओर अग्रसर हो रहा है, इधर हमको प्रतिबिंब नहीं मिलने वाला, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसको बढ़ाएंगे आगे की तरफ डॉट करके। तो बच्चों ऐसे जब बढ़ाएंगे तो बच्चों देखिए जहाँ पर ये कट हो जाएगा वहीं पर बच्चों आपको देखिए आभासी सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब आपको मिल जाएगा। देखिए बच्चों इस प्रकार से बहुत अच्छे से आप किरणारेखा खींचेंगे, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की जो डिस्टेंस आप लेंगे बच्चों वही डिस्टेंस आप फोकस से लेकर के वक्रता केंद्र तक की लेंगे, ये बात आप ध्यान रखना गलती नहीं करेंगे। तो बन जाएगा आभासी सीधा बड़ा प्रतिबिंब बन जाएगा। इसका उपयोग बच्चों, तो इसका जो उपयोग है बच्चों अवतल दर्पण का उपयोग जो पूछा गया वो गाड़ी की हेडलाइट्स जो अग्रदीप होते हैं बच्चों उसमें होता है, और दाढ़ी बनाने वाले दर्पण बच्चों होता है जहाँ पर हम लोग अपना जो फेस है वो यहाँ पर रखते हैं जो हमको सीधा और बड़ा प्रतिबिंब इसमें दिखाई पड़ता है। बच्चों इसके बाद पूछा है क्वेश्चन नंबर सेकंड आया, किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश के विक्षेपण की क्रिया चित्र बनाकर समझाइए। तो समझ लेते हैं बच्चों इसमें ध्यान से, किसी प्रिज्म से बच्चों इस प्रकार से मान लीजिए प्रिज्म है आपका, ये देख लीजिए समझने का प्रयास करिए, ये प्रिज्म है बच्चों आपका प्रिज्म, और ये मान लीजिए एबीसी आपका एक प्रिज्म है बच्चों, और यहाँ पर मान लीजिए कोई बच्चों सोर्स है लाइट का, मान लीजिए सन, मान लीजिए बच्चों ये सन है, आप इसको अच्छे से डायग्राम में बढ़िया से बना के दिखा देंगे बच्चों, और सनलाइट के थ्रू बच्चों यहाँ पर सनलाइट के थ्रू ये आपका सूर्य से चलने वाली किरणें जो आपका इस प्रकार से किरणें इसमें आएंगी बच्चों, और किरणें यहाँ पर आने के बाद में बच्चों ये यहाँ पे से अपवर्तित हो जाएंगे इस प्रकार, देखिए ये इस प्रकार से किरण बच्चों आएंगी ये, और यहाँ से देखिए इस प्रकार से ये अपवर्तित हो जाएंगे इस प्रकार से ये ऐसे यूं। तो बच्चों तो ये बच्चों ये अपवर्तित होकर जो बनाएंगे बनाएंगे देखिए VIBGYOR, देखिए इसमें वर्ण विक्षेपण को कितना बढ़िया से दिखाया गया, देखिए आपका प्रिज्म का ये टॉपिक दिया गया बच्चों, ये प्रिज्म का है इस साइड का देखिए, और ये देखिए बच्चों ये वर्ण विक्षेपण कितना अच्छे से बच्चों आपको ये दिखाया गया कि इस प्रकार से जो श्वेत प्रकाश किरण है सूर्य से आने वाली श्वेत प्रकाश किरण प्रिज्म से अपवर्तन के पश्चात सात रंगों में विभक्त हो जाएगी। बच्चों आपको दिख रहा है स्पष्ट तरीके से, देखिए आप ये सात रंग आपको VIBGYOR यानी कि वायलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो और ऑरेंज रेड आपको दिखेगा बच्चों, इस प्रकार से आप दिखा देंगे बच्चों इसमें बड़ा ही प्यारे तरीके से आपको इसको। और बच्चों यानी कि सबसे अधिक जो विचलन होता है वो होता है बैंगनी रंग का, सबसे कम होता है बच्चों लाल रंग का, लाल रंग का प्रकीर्णन बच्चों सबसे कम होता है, इसकी तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होती है, और ये जो बैंगनी रंग है बच्चों लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है बच्चों, प्रकीर्णन सबसे कम होता है, विचलन सबसे कम होता है, लेकिन इसकी वेवलेंथ अधिक होती है इसलिए खतरे के सिग्नल लाल बनाए जाते हैं बच्चों। इसका आंसर बच्चों आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा आई होप, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। जैसा कि हमें इंतजार था क्वेश्चन नंबर थर्ड ये ओम का नियम बच्चों इसमें आ चुका है। ओम का नियम बच्चों क्या होता है, ओम का नियम समझते हैं बच्चों, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाएं तो चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित धारा जो आई होती है बच्चों वो उसके अनुक्रमानुपाती होती है, यानी जो बी होता है वोल्टेज होता है विभवांतर होता है बच्चों वो डायरेक्टली धारा के अनुक्रमानुपाती हो जाता है बच्चों, तो बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा बच्चों आई हो जाएगा, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा बच्चों आई हो जाएगा, यही ओम का नियम बच्चों आपको स्क्रीन पर बच्चों इसकी हेडिंग दिखती रहेगी। और जब बच्चों यहाँ से इसको हटाते हैं अनुक्रमानुपाती को तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लग जाता है बच्चों, ये आर बच्चों यहाँ पर एक कांस्टेंट लग जाता है, ध्यान दीजिए ये हम कह सकते हैं वी अपॉन आई इक्वल टू आर। तो बच्चों ये जो कांस्टेंट है आर इसको बच्चों बोलते हैं इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस, वैद्युत प्रतिरोध बोलते हैं, जो धारा के धारा को कंट्रोल करने के काम में आता है बच्चों। तो बच्चों इसमें आगे पूछा गया इसकी सहायता से इसके नियम का सत्यापन करना, तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा हुआ मैथमेटिक्स में अगर वाई इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म में कोई इक्वेशन दी होती है तो उसका ग्राफ हमेशा आपको एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों यहाँ पर एक सारणी आप बना लीजिए इसके लिए, V और I के लिए एक सारणी बना लें आप लोग, आप इस प्रकार से इसी ये वोल्टेज है बच्चों और ये I है, इस प्रकार से आप एक सारणी बना सकते हैं चाहे तो इसमें,
और सारणी में आप परिवर्तन करते जाएंगे जिस प्रकार से, एकदम निश्चित अनुपात में परिवर्तन होगा। अगर ये वन टाइम है तो वन टाइम कर दीजिए, जैसे 0.2 आपने लिया तो 0.4 कर लीजिए, टू टाइम अगर कर रहे हैं 0.4 लेंगे तो 0.8 कर दीजिए। इस प्रकार से बच्चों आप देखिए, इस प्रकार से आप इसका ग्राफ बनाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। ये मान लीजिए बच्चों, ये आपका धारा आई को दर्शाता है और ये वोल्टेज वी को दर्शाता है इस प्रकार से। तो बच्चों इसमें ग्राफ बना करके आप इसे पॉइंट ले लेंगे यहाँ पर बच्चों, इस प्रकार से कि 0.2 अगर मैं वोल्टेज को लेता हूँ बच्चों, तो धारा मुझे क्या मिलने वाली है इस प्रकार 0.4, फिर 0.8 लेता हूँ तो क्या मिलने वाली, तो इस प्रकार से जब एकदम एग्जैक्ट जिससे इसके पॉइंट में एकदम समान ही बनेगा जा करके, फिर इस पॉइंट पे आएंगे तो इस पॉइंट पे एकदम समान बनेगा जाकर, इसके साथ में चलेगा इस पॉइंट पे आकर इस पर समान बनेगा जा करके, तो इस प्रकार से इसका ग्राफ खींचेंगे बच्चों तो यहाँ पर क्या मिलेगा, एक स्ट्रेट लाइन आपको बच्चों प्राप्त हो जाएगी सारणी के थ्रू। आप किसी भी पॉइंट को लेकर चलें और इस प्रकार से आप खींचेंगे बच्चों तो आपको देखिए इस प्रकार से ये ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन आपको प्राप्त हो जाएगी। इसको बढ़िया से आप लिख करके सारणी के द्वारा बच्चों इसका सत्यापन कर देंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 आया है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण इंडक्शन की घटना क्या है, इस घटना से संबंधित फैराडे जो माइकल फैराडे हैं इनके प्रयोग को समझाना है। तो बच्चों देख लेते हैं हम लोग, तो इसमें इस घटना से संबंधित फैराडे के प्रयोग को समझना है। तो बच्चों लोग पढ़ लेते हैं क्या क्या है विद्युत चुंबकीय प्रेरण घटना। तो परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र द्वारा वैद्युत वाहक बल अथवा वैद्युत धारा को उत्पन्न होने की धारा को वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, तथा इस प्रकार उत्पन्न वैद्युत वाहक बल को प्रेरित वैद्युत वाहक बल भी कहते हैं। बच्चों यदि कुंडली का परिपथ बंद होता है तो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कारण धारा प्रवाहित होती है, जिसे प्रेरित धारा कहते हैं। बच्चों इसमें पूछा गया, इसमें नियम पूछेंगे साथ साथ में बच्चों, आप लोग चाहें तो जो फैराडे के प्रथम नियम है, जब किसी बंद कुंडली में से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है तथा कुंडली में प्रेरित धारा बहने लगती है, धारा केवल तभी तक बहती है। ये बच्चों आपको स्क्रीन पर जो नियम है और उसका प्रयोग है ये आपको बढ़िया से दिखता रहेगा, आप उसको देख लीजिए। तो एज क्वेश्चन बच्चों याद दिया, माइनस का डेल्टा फाइव अपॉन डेल्टा टी यानी चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर को बोलते हैं बच्चों, इसको हम लोग लेंज का नियम भी बोलते हैं। सेकंड नंबर को लेंज के नियम के अनुसार प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है जिस कारण उत्पन्न होती है उन्हीं कारणों का बच्चों ये अपोज करती है, विरोध करती है, जिस कारण धारा उत्पन्न होती है उन्हीं कारणों का ये विरोध करती है। तो बच्चों जो प्रयोग आपके ये पुस्तक में दिए गए हैं आप देख लीजिए इस प्रकार से, जो आपकी बुक है अगर आपकी प्रकाशन आपके पास में है साइंस का, तो इसमें देखिए बच्चों इस प्रकार से आपकी ये फैराडे के जो प्रयोग हैं ये देखिए, आपको ध्यान से देखिए इसमें ध्यान से ये प्रयोग आपको दिख रहे होंगे, इसमें ये प्रयोग आपको स्क्रीन पर बच्चों ये दिख जाएंगे, ये प्रयोग इसमें पूछे गए हैं। तो बड़ा ही अच्छे से आप इसको लिख करके आए होंगे बच्चों।